तो आखिरकार भारत ने अपना पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च कर ही दिया, जिसका नाम है एलिमेंट्स। आखिर इस ऐप को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि ये ऐप क्या क्या काम करता है और इसको यूज कैसे किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्निकल वाला। तो चलिए शुरू करें। फिलहाल इस ऐप को एक बार 2018 में लॉन्च किया जा चुका है, परंतु ये ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं किया गया था। तो आज की डेट यानी 5 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह ऐप एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप है, जहां पर आप चैट और अपनी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाएंगे। जिस तरह आप हेलो या शेयर चैट ऐप पर अपना स्टेटस लिखते थे या कोई पिक को पोस्ट करते थे, उस तरह आप इस पर भी पोस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा इस पे अदर ऑप्शन भी हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या है इस ऐप में अंदर। तो इस ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। एलिमेंट्स तो ये ऐप आ चुकी है, कुछ इस तरह इसका आइकन होगा और नीचे लिखा होगा सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसी कंपनी ने इसको तैयार किया है। आगे इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा डिटेल, क्या काम करता है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है अबाउट दिस ऐप में। उसके बाद यहाँ पर आपको रेटिंग मिल जाएगी, लास्ट अपडेट 2 जुलाई को हुआ है और यहाँ रिलीज डेट जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ 2018 दिया है। अब यहाँ पर ऐप परमिशन है, कुछ क्या क्या परमिशन मांगती है। उसके बाद आप चलते हैं ऐप के यहाँ पर, इसका पहला पेज खुल कर आ जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 10 लैंग्वेज मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी ने इसको 10 लैंग्वेज में लॉन्च किया है। आपको जो पसंद है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद एक OTP आएगा, ये बता रहा है आप ये नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैंने एक बार पहले इसको रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके पहले आपको, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने OTP आने के बाद एक पासवर्ड भी बनाना होगा। आप पासवर्ड वहाँ बना लेना, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है, यहाँ से आप सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं हब पर, इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो खाते पर जाइए और यहाँ पर भाषा आएगा, इसको कर लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद सहेजी, तो कुछ इस तरह खुलकर आएगा ऐप। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ समाचार भी पढ़ सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, फैशन से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, खेल से, गेम से, स्वास्थ्य से, बॉलीवुड से, हर चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक सुपर ऐप है। अब यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर जाना है। अब यहाँ से आप पोस्ट बना सकते हैं, यहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं जो आपको लिखना है, उसके बाद पोस्ट कर सकते हैं। यह पोस्ट हो गया। ये बात नेटवर्क 16
थोड़ा वीक है। उसके बाद यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से है। अगर आप किसी फ्रेंड को ऐड करेंगे या आपका कोई फ्रेंड इसको चलाएगा एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर उसका नंबर दिखेगा अकाउंट। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन वाला है और यहाँ सेटिंग है, बस इतना ही ऑप्शन है इसमें। तो अभी मैंने जो पोस्ट की थी वो यहाँ पर प्रकाशित हो चुकी है। तो अभी इस ऐप में कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी कंपनी को इस पर और अधिक काम करना होगा ताकि इसको और डेवलप कर सके। तो जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसको 1,000 IT प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है। फिलहाल अभी आज का अपडेट नहीं आया है, अगर आज ऐप अपडेट हो जाता है तो शायद इसमें कुछ और देखने को मिल जाए, अर्थात ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।